आलमी खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल ट्रंप को एक और झटका लगा है। जॉन बोल्टन के बाद अमरीकी सदर के खिलाफ उनकी हकीकी भतीजी मैरी ट्रंप की किताब भी मार्केट में आ गई है। अमरीकी सदर ट्रंप अपने मुतल्लिक एक और तबाहकुन किताब की इशात रुकवाने में नाकाम हो गए हैं और अमरीकी अदालत की इजाजत के बाद ट्रंप की भतीजी की किताब बाकायदा मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर दी गई है और डिमांड को देखते हुए किताब के बेस्ट सेलर होने के अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं। अमरीकी सदर के बड़े भाई अनजहानी फ्रेड ट्रंप जूनियर की बेटी मैरी ट्रंप ने अपनी किताब में अपने चचा डोनाल्ड ट्रंप को झूठा, घमंडी, अनापरस्त, खुद पसंद, जाहिल और अमरीकियों के लिए खतरनाक शख्स करार दिया है। मुसनिफा ने किताब में इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जमाना तालबे इल्मी में अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अपने दोस्त को इम्तिहान में बिठाया और उसके बदले उन्होंने दोस्त को भारी रकम रिश्वत के तौर पर दी। किताब का उन्वान बहुत ज्यादा और हमेशा नाकाफी, जबकि सब टाइटल किस तरह मेरे खानदान ने दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान तख्लीक किया रखा गया है। इससे कबल अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन की किताब की इशात भी रोकने से इनकार कर दिया था। इस किताब में उन्होंने ट्रंप को नाअहल करार दिया था।